शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुनो, एक पप्पी दो ना। तुझे पता है आज दिन कौन सा है? आज बुधवार है। अरे बुधवार की चाची, आज तेरा जन्मवार है, मेरा मतलब है जन्मदिन है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पैकेट, ये सब क्या है भैया? जरा हटना। सालगिरह के मुकद्दस दिन पर माँ बदौलत अपनी छोटी बहन को तोहफों में तोलना चाहते हैं। ये पैकेट बड़ी नजाकत और नफासत के साथ खोला जाए। जो हुक्म आ लीजा। जल्दी करो। Did you like it? बहुत अच्छी है। भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तकदीर ने एक ही तो बहन दी है, उसका ख्याल ना रखूं? अरे मेरा बस चलता ना तो अपना दिल निकाल कर तुझे तोहफे में दे देता, लेकिन मुसीबत यह है कि दिल मेरे पास एक ही है, और अगर वो तुझे दे दिया तो अपनी जिंदगी की गाड़ी बंद हो जाएगी, है ना? और फिर हमारी बहन का ख्याल कौन रखेगा? है? ये क्या, आज के दिन रोना धोना? बुरी बात, बुरी बात। अरे आज के दिन हंसोगी तो साल भर हंसती रहोगी। हंसो फिर कंजूसी, हंसो ना। जल्दी से दरवाजा खोलो। लगता है इतना तू अंदर जाना संभाल लो। अरे आया भगवान आया। कहाँ है वो, कहाँ है वो तुम्हारी लाडली बहन? अरे यार, क्या तुमने करेले के पेट से जन्म लिया था? आते ही हमला शुरू कर दिया क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है जरा घर के अंदर आ जाओ, दो चार सांसें ले लो, फिर बात करो। सांस ले लो? हाँ। तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा तो तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी। अब क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? अच्छा क्या नहीं हुआ? मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो एक गुंडे के साथ मोटरसाइकिल पर चिपक के बैठी थी। अच्छा, उसकी ये हिम्मत? तुम हिम्मत हिम्मत कहते रह जाओगे और वो किसी लुच्चे लफंगे के साथ एक दिन सुर हो जाएगी और बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, हम लोहे की नाक लगवा लेंगे। तुमने फिर मजाक किया? मजाक? कैसा मजाक? मैं तो गुस्से से लाल हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, हाँ उसकी ये हिम्मत, ठीक है कल मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज उसका जन्मदिन है। उसका जन्मदिन है लेकिन हमारी इज्जत का मरण दिन है। मैं कहती हूँ अभी जाकर उसकी खबर लो। माया, तुमने तो हमेशा मुझे समझदारी की बातें सुनाई हैं और आज तुम ही नासमझी की बातें कर रही हो। समझदारी की बात? तुम्ही से तो मैंने इंसानियत का सबक सीखा है। तुम्ही ने तो कहा था कि जब किसी की खुशी का दिन हो या जन्मदिन हो तो उसकी सारी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। मैंने कहा था? कब? शायद तुम्हें याद नहीं, हर बड़ा आदमी बड़ी बड़ी बातें करके उसे भूल जाता है, फिर तुम्हें कहां से याद रहेगा। लेकिन मैं भी कुछ भूल रहा हूँ। क्या भूल रहा हूँ? क्या? याद आया, याद आया। अरे मेरे लख्त जिगर, ये तुम्हारे लिए तोहफा। क्या नजाकत है, वाह वाह। यानी प्यार से दिया हुआ तोहफा कितनी नजाकत से कबूल कर रही है मेरी रानी। माया, अगर तुम्हारे जैसी नर्म मिजाज और ठंडे दिल की औरत मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरा क्या होता? पसंद आई? आहिस्ता आहिस्ता, ये कुत्ते का कान नहीं मेरा गाल है, गाल। थैंक यू। दोनों बचा भच चॉकलेट खा रहे हैं, इसमें कोई जरूर गहरी चाल है। माँ, माँ। अच्छा तो ये बात है, अरे मैं तो उनका खून पी जाऊं। चलो उन पिल्लों को जलकर पूछें कि मेरी इजाजत के बगैर उनको चॉकलेट किसने दी। चल माँ, चल चल चल, ऐसी धुलाई करके उनको याद रहे। वो देख माँ, छुप के बैठे हैं। केतन, कांतो, इधर आओ। जी जी दादी माँ। दादी माँ के बच्चे, ये चॉकलेट किसने दी? और अगर तुम दोनों ने बाजार से खरीदी है तो पैसे किसने दिए? क्या कह रहे हैं आप? मासूम बच्चों को इस तरह मारा जाता है? आप
उसके पोता पोती हैं, कोई जानवर तो नहीं है। इन हराम खोरों ने मेरे कलेजे को छन्नी की है। सबसे पूछ रही ये चॉकलेट कहाँ से आई है, जवाब ही नहीं दे रहे, और जब तक ये जवाब नहीं देते मेरे हाथ रुकने वाले नहीं। इतना जुल्म मत कीजिए। क्या किया है मेरे इन मासूम बच्चों ने जो आप इतनी बुरी तरह पीट रही हैं? कब से इन दोनों से पूछ रही हूँ कि चॉकलेट के लिए पैसे कितने दिए, कहाँ से आए, बताते क्यों नहीं? चॉकलेट खाना क्या पाप है? इस घर में तो बिना मुझसे पूछे पानी पीना भी पाप है। ये तो आपका जुल्म है मां जी। क्या हो रहा है सब? क्यों कोहराम मचाओ इस घर में फिर से? मुझसे क्या पूछते हो, अपने रिश्तेदारों से पूछ, अपनी पत्नी से। सीता ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं, आप ऊपर चलिए, मैं खाना लगाती हूँ। उमा तुम बताओ क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, मुझे बीच में मत घसीटो। आखिर यहाँ क्या हो रहा है, कोई तो मुझे बता के मामला क्या है। सीता तुम ही बताओ कि क्या बात है। कुछ नहीं है, आप ऊपर जाइए ना। सीता मैं कह रहा हूँ। भैया मैं तुम्हें बताता हूँ कि मामला क्या है। इन बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए पैसे मैंने दिए थे। तो ये बता क्यों नहीं रहे थे? इसलिए कि मैंने इन्हें मना किया था। क्यों? तुम्हारे डर से। मेरे डर से? हाँ माँ, तुम्हारे डर से। मैंने इन मासूम बच्चों से कहा था कि चुप रहे, वरना तुम मुझसे पूछती कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से, और फिर तुम्हें जिसने पैसे दिए उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाकर तुम एक फसाद खड़ा कर देती। एक चुप हजार फसाद मिटा देती है, इसलिए हम सब चुप थे, मगर फिर भी तुम मानी नहीं और हंगामा खड़ा कर ही दिया। मासूम बच्चों पर हाथ उठाया, गंगा भाभी पर हाथ उठाया, बहुत ही शर्म और अफसोस की बात है माँ। माँ ये घर है या जहन्नम? जब भी थका मांदा आता हूँ तो कोई झगड़ा फसाद ताने तिशने के सवाल कुछ नहीं सुनाई देता। मैं अभी कहता हूँ अपने तरीके बदलो, अपनी जबान पे काबू रखो, वरना एक दिन तुम्हारे शब्दों की चिंगारियों से घर जलकर राख हो जाएगा। सीता मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी? मैंने आज पहली बार तुम पर हाथ उठाया। तो क्या हुआ? कसम से सीता मैं अब परेशान हो गया। कई बार सोचता हूं हम इस घर से अलग हो जाएं। नहीं, कभी भूल कर भी ऐसा ख्याल दिल में मत लाइएगा, ये पाप है। आप इस घर के बड़े हैं, सब आपके सहारे चल रहा है, हम चले गए तो इस घर का क्या होगा? आखिर कब तक ऐसा चलेगा सीता? मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। सीता मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली।